हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रधानमंत्री मोदी जो है लगातार देश से वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने ही मंत्रियों और नेताओं की गाड़ी से लाल बत्ती व हुड हटवाकर की थी। वीआईपी कल्चर को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार लगातार वीआईपी लोगों की सुरक्षा में भी कटौती कर रही है और इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने अब जो है गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटाने का बड़ा फैसला लिया। ऐसे में दोस्तों आइए जानते हैं क्या है एसपीजी सुरक्षा, किन लोगों को मिलती है ये सुरक्षा और देश में कितनी तरह की वीआईपी सुरक्षा है। दोस्तों वीआईपी सुरक्षा के लिए देश में एसपीजी के अलावा एक्स, वाई, जेड और जेड प्लस सुरक्षा की व्यवस्था है। बात करें कि एसपीजी सुरक्षा किसे मिलती है। एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि विशेष सुरक्षा देश का एक अति विशिष्ट सुरक्षा बल है। एसपीजी की सुरक्षा प्रधानमंत्री, उनके परिवार, पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति को मिलती है। पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार को पद छोड़ने के बाद एक वर्ष तक एसपीजी सुरक्षा देने का प्रावधान है। इसे जो है देश का सबसे प्रोफेशनल और आधुनिक वीआईपी सुरक्षा मानी जाती है। एसपीजी प्रधानमंत्री को 24 घंटे विशेष सुरक्षा घेरे में रखती है। पीएम के अलावा उनके आवास, विमान, कार्यालय, वाहन जैसे उनके संभावित भ्रमण स्थलों सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की होती है। इसके लिए जो है एसपीजी को विशेष प्रशिक्षण और विशेष संसाधन मुहैया कराए जाते हैं जो किसी और सुरक्षा बल के पास नहीं होते हैं। देश के अंदर हो या विदेश में एसपीजी हर वक्त साये की तरह प्रधानमंत्री के साथ रहती है। बात करें एसपीजी के इतिहास की तो एसपीजी का गठन जो है वर्ष 1988 में किया गया था। इसके गठन का उद्देश्य है प्रधानमंत्री और उनके परिवार समेत विशिष्ट लोगों को खास सुरक्षा प्रदान करना। इसकी आवश्यकता पहली बार वर्ष 1984 में हुई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद महसूस की गई थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री व पूर्व राष्ट्रपति के अलावा एकमात्र गांधी परिवार को ही ये सुरक्षा वर्षों से अस्थायी तौर पर मिली हुई थी। दूसरी सुरक्षा है जेड प्लस सुरक्षा। एसपीजी के बाद जेड प्लस देश में दूसरे कैटेगरी की वीआईपी सुरक्षा है। जेड प्लस 3 स्तर की सुरक्षा होती है। इसके तहत कुल 36 सुरक्षाकर्मी मिलते हैं। इनमें 10 एनएसजी के विशेष कमांडो होते हैं जो पहले घेरे अथवा प्रथम स्तर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। इसके बाद एनएसजी के अन्य जवान दूसरे लेयर की सुरक्षा संभालते हैं। तीसरे घेरे की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों जैसे कि आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ आदि के जवानों को शामिल किया जाता है। जेड प्लस सुरक्षा आमतौर पर उन्हीं केंद्रीय मंत्रियों या विशिष्ट अतिथियों को दिया जाता है जिन्हें आतंकी खतरा होता है। तीसरे नंबर पर है जेड सुरक्षा। देश में ये तीसरे नंबर की वीआईपी सुरक्षा होती है। जेड सुरक्षा में कुल 22 जवान होते हैं। इनमें से 4-5 एनएसजी के विशेष कमांडो होते हैं जो करीबी लड़ाई के कई विधाओं में पारंगत होते हैं। ये कमांडो बिना हथियार के भी दुश्मन का मुकाबला करने में माहिर होते हैं। इसके लिए इन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। एक एस्कॉर्ट वाहन भी सुरक्षा में शामिल होता है। एनएसजी कमांडो टुकड़ों के अलावा जेड सुरक्षा में दिल्ली पुलिस या सीआरपीएफ के जवानों को भी शामिल किया जाता है। चौथे नंबर पर है वाई सुरक्षा। वीआईपी सुरक्षा में चौथे स्थान पर आने वाली वाई श्रेणी की सुरक्षा सबसे कॉमन है। ज्यादातर वीआईपी को गृह मंत्रालय की तरफ से वाई श्रेणी की ही सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। इसमें कुल 11 जवान शामिल होते हैं। इसमें एक या दो कमांडो, 2 पीएसओ और शेष अर्धसैनिक बलों के जवान होते हैं। पांचवे नंबर पर है एक्स सुरक्षा। दोस्तों वीआईपी को दी जाने वाली ये जो है शुरुआती सुरक्षा सिस्टम एक्स श्रेणी में केवल 2 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं। इन्हीं में से एक पीएसओ भी होता है। तो दोस्तों भारत में वीआईपी सुरक्षा के बारे में हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और भी वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।